नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा एक ऐसी समस्या के बारे में जिसके कारण हमारी जो टीनेज के जो लड़के लड़कियां होते हैं, जो यूथ होता है, वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता है, बहुत ज़्यादा पीड़ित होता है, उसे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है उस प्रॉब्लम से, और उसको इतना ज़्यादा एम्ब्रेसमेंट फील होने लगता है कि बहुत सारे ऐसे मैं पेशेंट्स को जानता हूँ जो कि घर से बाहर निकलना तक बंद कर देते हैं, लोगों से मिलना जुलना तक बंद कर देते हैं। और दोस्तों, वो समस्या होती है मुहासों की समस्या। हालांकि ये एक बहुत जनरल सी समस्या है जिससे आज के समय के लगभग 80-85% जो यंग यूथ जो है वो पीड़ित रहता है, प्रभावित रहता है, लेकिन फिर भी ये समस्या इतनी ज़्यादा सीवियर हो जाती है, उसके कारण उनको इतना ज़्यादा एम्ब्रेसमेंट फील होने लगता है कि उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगती है, सोशल वो रिलेशंस नहीं बना के रख पाते हैं, और उनको फेशियल भी दर्द होता है, कई लोगों को पीठ में भी एक्ने हो जाते हैं, मुहासे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन उनकी हो जाती है। तो आज मैं आपसे इसी बारे में बात करूंगा और आपको इसके लिए एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बताऊंगा जिसका यूज़ मैंने खुद अपने ऊपर किया है, क्योंकि मुझे भी एक समय जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तब बहुत ज़्यादा मुझे एक्ने थे, बहुत ज़्यादा पिंपल्स मुझे हो गए थे और मैं उससे बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। फिर मैंने धीरे धीरे उसका ट्रीटमेंट करना शुरू किया, नोड्यूल्स बन जाते थे मेरे यहाँ माथे पर, नोड्यूल्स बन जाते थे, सिस्ट बन जाते थे बड़े बड़े, और उससे मैं बड़ा मतलब परेशान रहता था। तो वो सारी चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह इनको पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात ये करते हैं कि आखिर एक्ने क्या होता है और पिंपल क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, दोनों को लगभग आज के ज़माने में एक ही जैसा ट्रीट किया जाता है, एक ही जैसा शब्द यूज़ किया जाता है, लेकिन दोनों जो चीज़ें होती हैं वो अलग अलग होती हैं। एक्ने जो होता है वो हमारे हेयर फॉलिकल में जब भी कोई ब्लॉकेज आ जाता है, सीबम वहाँ पे अड़ जाता है या डस्ट वहाँ पे अड़ जाती है और या फिर डेड सेल इकट्ठी हो जाती हैं, तब वहाँ पर जो पस का फॉर्मेशन होने लगता है उस कंडीशन को एक्ने बोला जाता है। और पिंपल्स जो होते हैं वो हमारी जो स्किन के पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स आपने देखे होंगे, उन पोर्स में जब कभी सीबम इकट्ठा हो जाता है या डस्ट पार्टिकल आ जाते हैं और वहाँ पर जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, पस पड़ने लगती है, तब उस कंडीशन को पिंपल्स बोला जाता है। तो दोनों हालांकि लगभग लगभग एक जैसे ही होते हैं, लेकिन दोनों की जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल अलग होती है और दोनों का जो ट्रीटमेंट है वो हालांकि सेम है, लेकिन दोनों का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो अलग अलग तरह से किया गया है। तो ये जो मेन जो डिफरेंस होता है वो केवल हेयर फॉलिकल और स्किन पोर्स का ही होता है। अब हम यदि बात करें कि आखिर एक्ने लोगों को होते क्यों हैं, तो इसके बहुत सारे रीज़न हैं और इनमें सबसे प्रमुख जो रीज़न होता है वो होता है हार्मोनल इम्बैलेंस, दूसरा होता है डाइटरी इरेगुलरिटीज और तीसरा होता है गैस्ट्रिक ट्रबल्स। सबसे ज़्यादा ये तीन कारण ही लोगों को पीड़ित कर देते हैं पिंपल्स से या एक्ने से। तो यदि हम हार्मोनल चेंजेस की बात करते हैं तो हार्मोनल चेंजेस जब भी बॉडी में होते हैं टेस्टोस्टेरोन से रिलेटेड, चूंकि टेस्टोस्टेरोन मेल्स में भी पाया जाता है और फीमेल्स में भी पाया जाता है, तो जब भी उसमें कोई इम्बैलेंस होता है तो चेहरे पर एक्ने डेवलप होने लगते हैं, पिंपल डेवलप होने लगते हैं। दूसरा इसका रीजन होता है डाइटरी इरेगुलरिटीज। जो लोग रात में बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, जो लोग तला चिकना फैटी फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, फास्ट फूड बहुत खाते हैं, जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और तीसरा इसी के कारण गैस्ट्रिक ट्रबल्स डेवलप होने लगती हैं, डाइजेशन ठीक नहीं रहता है, जिसके कारण पिंपल्स या एक्ने डेवलप हो जाते हैं। और चौथा एक बहुत सामान्य रीज़न है जिससे कोई बच नहीं सकता है, और वो रीज़न है साफ सफाई ना रख पाना। आज के ज़माने में जब हमारे शहरों में प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तब डस्ट हमारे चेहरे पर बहुत ज़्यादा लगती रहती है, और चूंकि हमारा जो स्किन का जो एरिया होता है उसमें से सीबम कंटिन्यू निकलता रहता है, स्वेटिंग कंटिन्यू होती रहती है, जिसके कारण वहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं वो चिपक जाते हैं और उसके कारण वहाँ इन्फेक्शन हो जाता है, और जो कि बाद में एक्ने और पिंपल्स का कारण बनता है। तो दोस्तों, ये सारी जो बातें होती हैं ये इंपॉर्टेंट होती हैं एक्ने और पिंपल्स के लिए। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसका यूज़ हम होम्योपैथी में करते हैं, बहुत सक्सेस के साथ मैंने उसका यूज़ किया है, मेरे ऊपर भी मैंने उसका यूज़ किया है। मुझे बहुत सारे नोड्यूल्स थे, सिस्ट हो गए थे, छोटे छोटे फुंसियाँ टाइप की हो गई थी जिनमें पस फिलअप हो गया था और बहुत ज़्यादा वो पेनफुल कंडीशन होती है, तो मैंने उसका यूज़ किया है और मुझे उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। हालांकि होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है पेशेंट के सिम्टम के अनुसार, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन है इसको मैंने अपने अनुभव के आधार पर लगभग
90% केसेस में यूज किया है और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट उससे मिले हैं। इसमें जो सबसे पहली मेडिसिन आपको लेकर आना है दोस्तों, वो है लीडम पाल। ये मेरे पास लीडम पाल है, 200 पोटेंसी में है ये। इसकी आपको 4 बूंद 4-5 दिन में एक बार लेना है, बस 4 बूंद लेना है। सुबह दोपहर शाम किसी भी समय आप ले सकते हैं। बस ये याद रखें कि दवा खाने के 15-20 मिनट पहले से और 15-20 मिनट बाद तक कुछ भी नहीं खाना है, ये आपको याद रखना है। दूसरी जो मेडिसिन है दोस्तों, वो है काली ब्रोमेटम। बहुत ही अच्छी एक मेडिसिन है, इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम में, खास तौर से उन प्रकार के एक्नेस में जो छोटे छोटे पिंपल्स हो जाते हैं गुच्छों के रूप में और उनमें पस पड़ जाती है बहुत ज्यादा, उनको दर्द होता है और थोड़ा थोड़ा हल्का सा ब्लड भी निकल आता है उस कंडीशन में, ये काली ब्रोम बहुत अच्छा काम करती है। ये काली ब्रोम भी आपको 200 पोटेंसी में लेकर आना है और इसकी भी 4 बूंद 3-4 दिन में 5 दिन में एक बार आपको लेना है। बस ये याद रखना है कि दोनों मेडिसिन को आप अलग अलग समय पे लें, यदि लीडम पाल सुबह ले ली है तो काली ब्रोम आपको शाम को लेना है। इसके बाद तीसरी मेडिसिन आपको यूज करना है दोस्तों, और वो है एस्टेरियास रूबेंस। होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम में ये भी एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है पिंपल्स के लिए, और इसका भी आपको यूज करना है। तरीका बिल्कुल वही रहेगा कि 4 बूंद आपको लेना है, लेकिन इसको आपको हर दिन लेना है लगभग 15 दिन तक कंटिन्यू। 4 बूंद आपको लेना है सुबह दोपहर शाम, किसी भी समय एक बार आपको ये मेडिसिन लेना है। तीनों मेडिसिन में आपको ये याद रखना है, आप एक क्रम डेवलप कर लें। लीडम पाल यदि सुबह ले ली है, एस्टेरियास रूबेंस दोपहर में ले लें और काली ब्रोम आप शाम को ले लें, इस तरह से आपको ये करना है। इसके साथ ही एक मदर टिंचर है दोस्तों, बहुत ज्यादा यूजफुल होता है पिंपल्स के केसेस में, और वो है बर्बेरिस एक्विफोलियम का मदर टिंचर। ये मेरे पास शारदा होम्यो लेबोरेटरीज का बर्बेरिस एक्विफोलियम है, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसके भी। ये SBL का ही एक पुराना वो है उपक्रम, तो इसको आप यूज कर सकते हैं और इसकी 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधे कप या 1 कप पानी में मिलाकर आप यूज करें। दोस्तों ये कॉम्बिनेशन आप कंटिन्यू यूज करना शुरू कर दें। ये बिल्कुल उम्मीद ना करें कि आपको बिल्कुल 2-4 दिन में 5 दिन में 6 दिन में आपके पिंपल्स पूरे ठीक हो जाएंगे, आप बिल्कुल पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। आपको इसे कंटिन्यू यूज करना है, 1-2 महीने लग सकते हैं, 3 महीने भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी समस्या के ऊपर। लेकिन दोस्तों इतना जरूर है कि आप अगर इसको यूज करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट उसमें मिलेंगे। किसी पेशेंट में जल्दी ठीक हो जाते हैं, किसी पेशेंट में समय लग जाता है, वो डिपेंड उनके शरीर पे ही करता है। इसके साथ ही आपको साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है दोस्तों, चेहरे को अच्छे से साफ किया करें। यदि आप मुल्तानी मिट्टी यूज करते हैं तो कर सकते हैं, बेसन का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप फेस वॉश यूज करें, किसी भी बाहर की एलोपैथिक मेडिसिन का यूज ना करें, एलोपैथिक फेस वॉश का यूज ना करें। बाजार में बहुत सारे फेस वॉश उपलब्ध हैं, वो बिल्कुल ना करें। होम्योपैथी में बहुत सारे फेस वॉश आते हैं, उनका ही यूज किया करें, क्योंकि उनमें केमिकल्स बिल्कुल भी नहीं होते हैं, और यदि होते भी हैं तो उनकी जो मात्रा होती है वो बहुत ही लिमिटेड होती है, और वो ज्यादातर जो होते हैं वो प्योरली हर्बल होते हैं, नेचुरल होते हैं। तो इस तरह से आप इन मुहासों को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही, आगे के वीडियोस में हम बात करेंगे कुछ नई बीमारियों और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।